तो दोस्तों अभी के टाइम में फ्री फायर गेम में टोटल 10 एक्टिव स्किल स्लॉट कैरेक्टर है, मतलब कि जो कि ओवर पावर है, मतलब बहुत ज़्यादा एबिलिटी वाला कैरेक्टर है। लेकिन इन 10 एक्टिव स्किल स्लॉट कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर है ना जो बहुत ज़्यादा यूनिक है, उसकी एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, वो है वुकोंग कैरेक्टर। तो वुकोंग कैरेक्टर को मैं यूनिक इसलिए बोल रहा हूँ, इसका जो ये चार्जिंग स्टाइल है, एक तो जो नॉर्मल टाइमर के साथ चार्ज होता है, दूसरा जो है जब भी आप इनिमी को नॉकडाउन कीजिएगा, मतलब वुकोंग कैरेक्टर ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएगा। इसका एबिलिटी को आप दोबारा यूज कर सकते हैं, मतलब इनिमी नॉक कीजिए और आपका एबिलिटी वापस आ जाएगा। मतलब कि आप समझ सकते हैं ना, वुकोंग कैरेक्टर के एबिलिटी को आप अनलिमिटेड टाइम यूज कर सकते हैं, जितना बार आप इनिमी को डाउन कीजिएगा उतना बार यूज कर सकते हैं। और इस यूनिक एबिलिटी के कारण ही ना वुकोंग कैरेक्टर जो है फ्री फायर का एकदम ओपी कैरेक्टर है, ओपी कैरेक्टर, ओवर पावर कैरेक्टर है। लेकिन 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 देखिए, वुकोंग कैरेक्टर के अंदर भी कुछ वीकनेस है, जहां हम लोग अदर कोई एक्टिव स्किल स्लॉट वाला कैरेक्टर यूज करते हैं तो हमारा एचपी रिकवर हो सकता है, लेकिन वुकोंग हम लोग का एचपी रिकवर नहीं कर सकता है। हालांकि फाइट में वुकोंग कैरेक्टर का कोई जवाब नहीं है, मतलब ये किसी भी कैरेक्टर से बेटर है फाइट में, मतलब क्लोज रेंज फाइट में हो कि लॉन्ग रेंज फाइट में, ज्यादातर तो क्लोज रेंज फाइट में वुकोंग एकदम ओपी है, लेकिन लेकिन ये एचपी रिकवर नहीं कर सकता, ये इसकी वीकनेस। तो आज के इस वीडियो में मैं जो आपको कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताऊंगा, इससे वुकोंग का सारा वीकनेस तो दूर होगा ही होगा, साथ में जो है ना वुकोंग का पावर को और भी ज्यादा इनहेंस कर देगा। मैं जो आपको कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में जो कैरेक्टर यूज करने बताऊंगा वो वुकोंग के पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा और वुकोंग के वीकनेस को थोड़ा खत्म सा कर देगा, मतलब दबा देगा। तो इस तरह से जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन तैयार होगा ना, वो होगा बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन फॉर वुकोंग। तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वुकोंग के लिए जो बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का मेन कैरेक्टर तो वुकोंग कैरेक्टर होने वाला है, और इसका जो पहला स्किल स्लॉट है यहाँ पर, जो मैं कैरेक्टर बताने वाला हूँ वो वुकोंग कैरेक्टर को, मतलब पावर को इन्हेंस कर देता है, पावर को बढ़ा देता है, और वो कैरेक्टर है हायातो कैरेक्टर। तो हायातो कैरेक्टर किस तरह से पावर बढ़ाता है, क्या यूजेस है, ये मैं आगे समझाता हूँ। पहले हायातो का थोड़ा सा एबिलिटी जान लीजिए। तो आप लोग स्क्रीन पे देखिए, यहाँ जो सामने एडम है इसको मैं अपना इनिमी मान लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जब मैं मार रहा हूँ तो 17-17 का डैमेज दिया विदाउट वेस्ट, तो इनिमी आसानी से किल हो जाएगा, क्योंकि 340 का डैमेज पड़ गया तो इनिमी मर जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, जब देखिए एक लेवल का वेस्ट रहेगा तब भी इनिमी मर जाएगा, 11 का डैमेज दिया, लेकिन 2 लेवल का जैसे ही वेस्ट इनिमी के पास आएगा अब देखिए क्या होता है, मेटी 87 का 9 का डैमेज, यानी 180 ही डैमेज देगा, वो मरने वाला नहीं है दो गोली में। 3 लेवल का वेस्ट का तो क्या ही बोले, 60 मतलब 120 ही डैमेज देने वाला है, मतलब वेस्ट रहेगा इनिमी के पास तो इनिमी नहीं मरता है। तो हायातो करेक्टर यहीं पर अपना पावर दिखाता है। अब देखिए हायातो करेक्टर का जैसे यहाँ पावर थोड़ा सा एचपी घट गया। अब देखिए 2 लेवल का वेस्ट पे पिछला बार नहीं मर रहा था, इस बार देखिए 2 लेवल का वेस्ट पे इनिमी आसानी से मर जा रहा है, ठीक ना। आप डैमेज देख सकते हैं 12 240 का डैमेज दिया। उसके बाद देखिए 3 लेवल का वेस्ट अगर इनिमी के पास रहे तो 10 का डैमेज देगा, तो इससे भी इनिमी मर जाएगा, थोड़ा सा हेल्थ घटा है अभी हायातो करेक्टर का, तो 10 का डैमेज पे दे रहा है तो 3 लेवल का वेस्ट पे इनिमी मर जाएगा। और इनिमी के पास कोई एबिलिटी रहेगा तब भी वो बच सकता है, मतलब अगर कोई एबिलिटी रहे जैसे कि एंटोनियो कोई कैरेक्टर यूज कर रहा है तो बच जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए हायातो करेक्टर का हेल्थ और थोड़ा घट जाएगा, इस बार देखिए सिर्फ 71 हेल्थ है, तो अब तो इनिमी के पास कोई वेस्ट रहे इनिमी मरना फिक्स है। अब 2 लेवल का वेस्ट पे देखिए 280 का डैमेज दे रहा है। उसके बाद देखिए अब मैं यहाँ 3 लेवल का वेस्ट पे दिखाता हूँ डैमेज कितना ज़्यादा है। 3 लेवल का वेस्ट पे देख लीजिए 13 का दे रहा है, मतलब 260 डैमेज दे रहा है। तो मतलब कि सीधा सीधा बात है कि हायातो करेक्टर का एचपी घटेगा तो ये इनिमी को बहुत ज़्यादा डैमेज देने लगेगा, मतलब इनिमी के पास वेस्ट भी रहेगा तो इनिमी को 2-3 गोली में आराम से मार देगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ वुकोंग के साथ फर्स्ट स्किल स्लॉट में आपको हायातो करेक्टर यूज करना है। तो चलिए मैं उस हायातो करेक्टर के साथ वुकोंग का थोड़ा गेम प्ले दिखा देता हूँ, तो आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि हायातो कितना ओपी है। तो आप लोग स्क्रीन पे देखिए, थोड़ा गौर से देखिए, ये इनिमी तो खड़ा था, इसको मैंने आराम से मार दिया, तो यहाँ तो कोई एबिलिटी चलने की बात ही नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो इनिमी है, ये जो है इसका देखिए यहाँ पर क्या होता है, क्या सीन होता है, सिर्फ देखिए यहाँ मैं थोड़ा स्लो कर दिया। अब देखिए इनिमी हमको मारा, अब देखिए यहाँ इनिमी हमको मारा, हमको डैमेज पड़ा। अब देखिए मैं जब मार रहा हूँ तो मेरा मैग 7 का डैमेज ज़्यादा दे रहा है, नॉर्मली मैग 7 कम डैमेज देता है। इनिमी के पास वेस्ट तो होगा ही होगा, क्योंकि ये मतलब तीसरा राउंड है तो यहाँ इनिमी के पास वेस्ट हो जाता है। ये तो पहला सिचुएशन हुआ, कोइंसिडेंस हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए सिर्फ यहाँ हयातों के एबिलिटी के कारण ही मैं इनिमी को मार पा रहा हूँ। अब देखिए फिर से मेरा हेल्थ कम है। अब यहाँ देखिए ये थोड़ा चालाक इनिमी, अब देखिए इसको फिर से हेल्थ कम। अब देखिए यहाँ 21 का डैमेज दे रहा है, मतलब हायातो कैरेक्टर के कारण ही मैं इनिमी को आसानी से मार पा रहा हूँ, नहीं तो मैक 7 का 4-5 गोली हमको मारना पड़ता तब इनिमी मरता है। आप लोग को पता ही, आप लोग मैक 7 से खेलते हैं, लेकिन अगर हायातो का यूज करते हैं
तो बहुत कम एमओ में मर जाता। और यहाँ देखिए मैं इस इनिमी को मार करके यहाँ पर एस मतलब क्वाड्रा किल कर दिया, तो आपको पता चला है तो कितना पावरफुल है, हया तो रहेगा तो आप दो तीन गोली में ही इनिमी को मार सकते हैं। मैक 7 हो कि शॉर्ट गन हो कि M1887 हो आसानी से मार सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आप वुकॉन्ग कैरेक्टर का यूज कीजिए इसका पहला स्किल स्लॉट में हया तो कैरेक्टर ही यूज करना है, क्योंकि ये जो ना वुकॉन्ग के पावर को आसमान तक ले जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हम लोग को सेकेंड स्किल स्लॉट में हमको कौन सा कैरेक्टर यूज करना है जो कि वुकॉन्ग का वीकनेस को कवर कर दे, क्योंकि वुकॉन्ग तो एचपी नहीं दे सकता है तो हमको वुकॉन्ग का यानी कि वीकनेस को कवर करना है। तो वुकॉन्ग का वीकनेस को कवर करने का के लिए जो सबसे बेस्ट कैरेक्टर है वो है लियोन कैरेक्टर। तो हमको सेकेंड स्किल स्लॉट में हमको हमेशा लियोन कैरेक्टर ही यूज करना है। क्यों? तो पहले इसकी एबिलिटी देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका थोड़ा एक्सक्यूज दूंगा क्यों लियोन यूज करना है। तो आप लोग स्क्रीन पे देखिए, यहाँ मैं लियोन कैरेक्टर का यूज करके जोन में गया और 50 डैमेज ले लिया, ठीक ना। मेरा हेल्थ 150 है। अब देखिए यहाँ मेरा एचपी बढ़ना चालू हुआ, लियोन कैरेक्टर की एबिलिटी चला, एचपी बढ़ना चालू हुआ। अब देखिए मेरा 150 से 180 एचपी हो गया, इसका मतलब 30 एचपी बढ़ गया, ठीक ना। यही लियोन कैरेक्टर की एबिलिटी की है, मैक्सिमम 30 एचपी बढ़ा सकता है। लेकिन यहाँ देखिए इस बार देखिए हमको 5 का ही डैमेज पड़ा, 175 एचपी है, तो 5 एचपी लियोन कैरेक्टर रिकवर करके देगा। तो देख लिया आपने, अब चलिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पर मेरा 180 एचपी है और जैसे गिरते हैं 160 एचपी हो गया, यानी कि 20 एचपी मतलब घट गया। तो अब देखिए लियोन कैरेक्टर यहाँ पर 20 एचपी रिकवर करके देगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैक्सिमम लियोन कैरेक्टर 30 एचपी रिकवर कर सकता है, लेकिन आपको अगर 20 का डैमेज पड़ा, 10 का डैमेज पड़ा, तो जितना डैमेज पड़ा उतना ही एचपी आपको रिकवर करके देगा, समझ गए ना। और जितना बार आपको डैमेज पड़ेगा, 50 बार, 100 बार, 1000 बार, जितना बार डैमेज पड़ेगा उतना बार एचपी आपको रिकवर कर देगा और मैक्सिमम 30 एचपी रिकवर कर सकता है। और अगर कम डैमेज पड़ा तो कम ही एचपी रिकवर करेगा, लेकिन ये 50,000 जितना बार आपको डैमेज पड़ेगा उतना बार एचपी रिकवर कर देगा। तो मतलब कितना अच्छा एबिलिटी है कि डैमेज पड़ेगा एचपी रिकवर कर देगा। इसी खास एबिलिटी के कारण ही ना मैंने कहा कि वुकॉन्ग के साथ आपको सेकेंड स्किल स्लॉट में लियोन कैरेक्टर यूज करना है। तो चलिए मैं इसका आपको बेनिफिट थोड़ा सा दिखा देता हूँ या फिर लियोन कैरेक्टर यूज करने से क्या बेनिफिट होता है। तो आप लोग स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर इस क्लिप को मैंने पहले भी आपको दिखाया लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा। यहाँ गौर से देखिए, मैंने एक एनिमी को डाउन किया, अब इसको देखिए जैसे फिनिश करने गया तो इन तीसरे दूसरा एनिमी हमको मारा। अब यहाँ देखिए मेरा हेल्थ कम है ना, देखिए लियोन कैरेक्टर मेरा एचपी फुल कर देगा, ठीक ना। यहाँ देखिए एक बार लियोन कैरेक्टर हमको बेनिफिट दिया, ठीक ना। इस गेम में देखिए हमको कितना मतलब बहुत ज़्यादा बार लियोन कैरेक्टर हमको बेनिफिट देने वाला है। आप सिर्फ देखिए, इनिमी को लगेगा कि वो हमको मार दिया बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया, लेकिन लियोन कैरेक्टर मेरा एचपी रिकवर कर रहा है, तो हमको मतलब कि बिना मेडिकिट वेडिकिट मारे हमको हेल्थ बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए इनिमी हमको बहुत डैमेज दिया, ग्लूबॉल लगाए, अब देखिए ग्लूबॉल लगा के हम सिर्फ बच रहे हैं, मेरा एचपी देखिए लियोन कैरेक्टर रिकवर कर रहा है, ठीक ना। अब देखिए फिर से डैमेज दिया, फिर से मैं यहाँ ग्लूबॉल लगा के बचा, अब देखिए मेरा एचपी फिर से बढ़ गया। तो इनिमी को इस तरह लग रहा होगा कि मैं इसको कितना मार रहा हूँ और ये मर ही नहीं रहा, लेकिन इनिमी को क्या पता है कि मैं यहाँ लियोन कैरेक्टर यूज करके चालाकी कर रहा हूँ और मेरा हेल्थ फुल है। तो देखिए इस तरह से मैं इनिमी को मार दिया और मेरा हेल्थ देखिए फुल ही रह गया। तो यही बेनिफिट देता है कि वुकॉन्ग तो एचपी रिकवर कर नहीं सकता है, तो अगर वुकॉन्ग के साथ आप अगर सेकंड स्किल स्लॉट में लियोन कैरेक्टर यूज कीजिएगा तो सबसे अच्छा होता है एचपी रिकवर करने के लिए। हालांकि आप जोटा बोटा कुछ यूज कर सकते हैं, लेकिन लियोन सबसे अच्छा है वुकॉन्ग के साथ, ठीक ना। तो आपको सेकंड स्किल स्लॉट में लियोन कैरेक्टर का ही यूज करना है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब तक मैंने वुकॉन्ग के साथ पहला स्किल स्लॉट में हयातो कैरेक्टर, दूसरा स्किल स्लॉट में लियोन कैरेक्टर, ये तो फिक्स कर दिया, ये आपको यूज करना ही करना है बेस्ट वुकॉन्ग कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। इसके बाद देखिए लास्ट स्किल स्लॉट में मैं आपको थोड़ा मल्टीपल चॉइस बता देता हूँ। तो मल्टीपल चॉइस का मतलब है एक कैरेक्टर तो आपको मैं बताऊंगा जो कि आपका एचपी रिकवर कर सकता है, और एक कैरेक्टर बताऊंगा जो कि आपका स्पीड इंक्रीज कर सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है, आपको एचपी चाहिए या स्पीड चाहिए, लास्ट में आप सेलेक्ट करके उस तरह से गेम प्ले कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एचपी रिकवर करने वाले कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पर देखिए मेरे ख्याल से दो चॉइस सबसे अच्छा है, एक तो जोटा हो गया, एक हो गया मैक्सिम कैरेक्टर। दोनों ही एचपी क्विकली रिकवर कर सकता है, या तो मैक्सिम यूज कीजिए या तो आप जोटा कैरेक्टर यूज कीजिए, दोनों ही अच्छा कैरेक्टर है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ दोनों कैरेक्टर की एबिलिटी। तो मैक्सिम कैरेक्टर की एबिलिटी है कि नॉर्मली आपको मेडिकिट मारने में 4 सेकंड लगेगा, लेकिन अगर आप मैक्सिम कैरेक्टर का यूज कीजिएगा तो आप 3 सेकंड में मेडिकिट मार सकते हैं, मतलब 1 सेकंड पहले आप मेडिकिट मार सकते हैं। ये मैक्सिम कैरेक्टर की एबिलिटी, अगर आप मैक्सिम कैरेक्टर यूज कीजिएगा तो आपको ये बेनिफिट होगा, ठीक ना। तो चलिए हम
लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग जोटा करेक्टर की एबिलिटी को जान लेते हैं। तो जोटा करेक्टर क्या करता है, जैसे आप इनिमी को नॉक कीजिएगा तो आपको 40 एचपी मिलेगा, अगर आप इनिमी को मारिएगा तो उससे कुछ कुछ एचपी मिलेगा, मतलब कि आप इनिमी को नॉक करके 40 से 50 एचपी ले सकते हैं। ये जोटा करेक्टर की एबिलिटी है। तो दोनों करेक्टर की एबिलिटी समझ में आ गया। अब देखिए मैं किसको प्रीफरेंस देता हूँ, अब गेम प्ले देखने के बाद आपको पता चल जाएगा इन दोनों में से आपको कौन सा यूज करना है, या तो जोटा यूज करना है या तो मैक्सिम यूज करना है। तो जब हम लोग वुकोंग कैरेक्टर लेके गेम प्ले करते हैं तो ज्यादातर समय हम लोग क्या करते हैं, बूस बन जाते हैं, बूस बन करके मेडिकेट मारते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी बंदा वुकोंग कैरेक्टर का यूज करता है वो बूस बनने के बाद मेडिकेट मारता है। तो इससे क्या होता है ना, हम लोग के पास बहुत ज्यादा समय रहता है, जानते हैं वुकोंग कैरेक्टर की एबिलिटी 15 सेकंड तक रहता है और इस 15 सेकंड में हम लोग आसानी से मेडिकेट मार सकते हैं। तो मेडिकेट मारने के लिए हम लोग एक कैरेक्टर स्किल क्यों बर्बाद करें, मैक्सिम का यूज हमको नहीं सही लगता है, तो मैक्सिम के जगह पे हम लोग जोटा कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं। जोटा एचपी रिकवर करने में एकदम ओपी है। चलिए मैं आपको गेम प्ले से दिखाता हूं। तो आपने इस गेम प्ले को पहले भी देखा होगा लेकिन एक बार फिर से देखिए, यहां पर मैं आपको थोड़ा स्लोमो में दिखाता हूं, स्लो करके। अब यहां देखिए इनिमी हमको मारता है, देखिए मेरा हेल्थ 31-30 तक चले जाता है, लेकिन जैसे इनिमी को डाउन करता है मेरा 75-76 हेल्थ फिर से हो जाता है। तो मतलब यहां देखा आपने किस तरह से जोटा इंस्टेंट में एचपी दे दिया। लियोन को एचपी देने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन जोटा इंस्टेंट एचपी देता है, जैसे इनिमी को डाउन किया एचपी दे देगा। तो इसी खास एबिलिटी मतलब कि क्विकली एचपी दे देता है, इतना फास्ट एचपी देता है नहीं क्या ही बोले, जैसे डाउन किए 40 से 50 एचपी देगा। अब यहाँ भी देख सकते हैं इस इनिमी को जैसे मैं डाउन करूंगा मेरा एचपी देखिए बढ़ गया 40 से 50 एचपी। इसी खास एबिलिटी के कारण ही ना मैं बोल रहा हूँ कि एचपी रिकवर आपको करना है तो चौथे नंबर पे जोटा यूज कीजिए, ना कि मैक्सिम यूज कीजिए। मैक्सिम कर सकते हैं यूज लेकिन मैक्सिम से ज्यादा बेटर जोटा है। अब यहाँ पर देखिए मैं जोटा कैरेक्टर का यूज कर रहा था तभी मेरा एचपी बढ़ गया और यहाँ मैं क्वाड्रा किल कर पाया, क्योंकि अगर एचपी नहीं रहता तो हमको मेडिकेट मारना पड़ता और ये चौथा बंदा का किल मेरा फ्रेंड ले लेता तो क्वाड्रा नहीं कर पाता। तो आपको समझ में आया ना, जोटा बहुत अच्छा है हीलिंग के लिए, आप जोटा का यूज चौथा नंबर पे कर सकते हैं। अगर आपको स्पीड चाहिए, ज्यादा हीलिंग नहीं चाहिए स्पीड चाहिए, तो यहाँ पर आप केली या कैरोलिन दोनों में से कोई एक कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। यहाँ भी मैं बता देता हूँ आपको कौन सा कैरेक्टर यूज करना। तो नॉर्मली अगर हम लोग केली कैरेक्टर की बात करें तो केली कैरेक्टर क्या करता है, हमारा 6% स्प्रिंटिंग स्पीड बढ़ाता है। मतलब जब हम लोग दौड़ रहे हैं तभी केली कैरेक्टर की एबिलिटी चलेगा, मतलब जब हम लोग दौड़ रहे हैं तो 6% ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं। लेकिन वही अगर कैरोलिन कैरेक्टर की बात करें तो कैरोलिन कैरेक्टर शॉर्ट गन होल्ड करने के बाद 8% मूवमेंट स्पीड बढ़ाता है। तो मूवमेंट स्पीड हमेशा वर्क करता है, जैसे हम लोग शॉर्ट गन पकड़े उसके बाद हम लोग स्प्रिंट करेंगे या दौड़ेंगे या फिर एनालॉग बटन से चलेंगे, दोनों ही टाइम कैरोलिन कैरेक्टर की एबिलिटी चलेगा, लेकिन कैली के साथ ऐसा नहीं होता। चलिए मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। यहाँ मैं कैली और कैरोलिन दोनों कैरेक्टर का यूज कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ क्या होता है, जब मैं नॉर्मली दौड़ रहा हूँ स्प्रिंट कर रहा हूँ, इस टाइम कैली कैरेक्टर की एबिलिटी चल रहा है, ठीक ना, स्प्रिंट करते समय ये कैली कैरेक्टर की एबिलिटी चल रहा है, ठीक, समझ गए। उसके बाद देखिए जब हम लोग शॉर्ट गन होल्ड करके दौड़ेंगे यानी शॉर्ट गन पकड़ के दौड़ेंगे, इस टाइम देखिए कैली तो एबिलिटी चल ही रहा है साथ में कैरोलिन का भी एबिलिटी चल रहा है, समझ गए। जैसे हम लोग शॉर्ट गन पकड़ते हैं वैसे कैरोलिन का एबिलिटी चालू हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे कैली और कैसे कैरोलिन कैरेक्टर की एबिलिटी चलता है। तो आपको समझ में आ गया। तो इसमें फैक्ट बात यह है कि जब हम वुकोंग की एबिलिटी यूज करेंगे और बूस बन जाएंगे इस टाइम कैली की एबिलिटी नहीं चलेगा, लेकिन अब भी कैरोलिन कैरेक्टर की एबिलिटी चलेगा। जब भी हम शॉर्ट गन पकड़ेंगे तो बूस बनने के बाद भी हमारा मूवमेंट स्पीड 8% बढ़ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया ना कि कैली कैरेक्टर जब हम नॉर्मल स्प्रिंट करेंगे तो कैली कैरेक्टर की एबिलिटी चलेगा, लेकिन घास बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ कैरोलिन कैरेक्टर की एबिलिटी चल सकता है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको जो स्पीड चाहिए वो बूस बनने से पहले चाहिए कि बूस बनने के बाद चाहिए। बूस बनने से पहले स्पीड चाहिए तो आप कैली कैरेक्टर यूज कीजिए, और बूस बनने के बाद आपको स्पीड चाहिए तो आप कैरोलिन कैरेक्टर का यूज कीजिए। तो आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि आपको स्पीड बढ़ाने के लिए कौन सा कैरेक्टर यूज करना है। तो अब तक जो मैंने बताया है, तो पहले तो मैंने बोला कि हयातो कैरेक्टर पहला स्किल स्लॉट में यूज करना है और दूसरा स्किल स्लॉट में लियोन कैरेक्टर यूज करना है, और तीसरा स्किल स्लॉट पे मैंने एचपी बढ़ाने के लिए जोटा कैरेक्टर को ज्यादा रिकमेंड किया। उसके बाद स्पीड अगर आपको चाहिए तो स्पीड के लिए आप कैरोलिन और केली में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आप पे निर्भर करता है। मैंने अभी तक यही कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताया, और मैं आपको बोल देता हूँ इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ आप वुकोंग कैरेक्टर लेके खेलिए तो आपका गेम प्ले 100% इंप्रूव होगा और आपका पावर जो है ना, आपका कैरेक्टर का पावर बढ़ जाएगा, जिससे कि आप इनिमी को आसानी से मार सकते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से जरूर कर दे लाइक और चैनल को 100% कर ले सब्सक्राइब। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।